अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जनरल मैथ पेपर बी एनुअल 2018 बी जेड यू मुल्तान का पेपर है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 10 सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है शो डैट ए पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर पी, वेयर पी इज पॉजिटिव इंटीजर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो वो क्या कहता है, पहले हम पी को 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर हम के लिए सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर पी इज इक्वल टू के लिए, और फिर एंड में पी इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे दिया है कि ए पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर पी, तो हमने ये प्रूव करना है। तो वही प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, पुट कर दें पी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, जहाँ जहाँ पी है 1 पुट कर दें। तो ये बन जाएगा ए 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर 1, तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसका मतलब है इट इज़ ट्रू फॉर पी इज इक्वल टू 1। अब हम सपोज करेंगे कि ये के लिए ये ट्रू है, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर पी होगा के पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इट इज़ ट्रू फॉर पी इज इक्वल टू 1। केस 2 वही, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर पी इज इक्वल टू के लिए हम सपोज कर दें ये ट्रू है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स जहाँ पी है के पुट कर दें, तो ए के की पावर टी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर के, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन केस 3 में नो वी आर टू प्रूव डैट, अब हम प्रूव करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर पी इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए की के प्लस 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर के प्लस 1, ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ए की के प्लस 1 का होल का ट्रांसपोज, इसको तोड़ दें ब्रेक कर दें, तो ए की के इंटू ए की पावर 1, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें, तो आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले बी का फिर ए का, तो यह आ जाएगा ए की 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की के का ट्रांसपोज। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए की ट्रांसपोज की पावर 1, और इसको आप जैसे हम ये बी में, ठीक हो गया, ए की के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हैं ए की ट्रांसपोज की पावर के, तो इसको भी हमने वैसे लिख दिया। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक हो गया। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा ए की ट्रांसपोज की पावर के प्लस 1, इट इज़ ये राइट साइड आ गई, ठीक है। इट इज़ ट्रू फॉर के पी इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ पी, ये पी की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में शो डैट 1 2 1 3 1 2 0 1 2 इज इक्वल टू i3, यानी कि आपके इसको आइडेंटिटी 3 पुट करना है, यानी कि इसको प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करें। तो ये आपका ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको कहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 i3 इसको कहते हैं, यानी कि अब ये 1 है ना, 1 के जरिए ये तो 0 बना हुआ, इसको भी 0 करूँगा, फिर इधर 1 बना के ऊपर नीचे 0, फिर इधर 1 बना के ऊपर दोनों को 0, तो ये आइडेंटिटी 3 इसको हमने बनाना है, शो करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी ये क्वेश्चन है आपका 1 2 1 3 1 2 0 1 2 इज इक्वल टू i3, हमने रो ऑपरेशन लगा के i3 के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा लेट ए इज इक्वल टू दिस। अब मैंने क्या करना है, इस 1 के जरिए ना मैंने ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो रो 2 में ये 3 को 0 करना है। तो क्या करूँगा, r2 में से माइनस कर दो r1, लेकिन r1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया। तो चेंज किस में आएगा, r2 में, r1 सेम रहेगा, तो इसका मतलब है इस पूरी रो को r1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3 6 3, तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस का 6 तो माइनस का 5, 2 माइनस 3 तो -1, ठीक हो गया। अब ये 1 मुझे बना हुआ है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, बजाय इसको 1 बनाने के मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो r2 3 का मतलब है रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें, रो 2 रो 3 की जगह, रो 3 रो 2 की जगह। चलें जी, ये मेरे पास आ गया 1। अब मुझे इस 1 के जरिए ऊपर नीचे दोनों को 0 करना है,
तो मैं क्या करूं, आर वन में से माइनस कर दें आर टू, लेकिन आर टू को पहले टू से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा आर वन माइनस टू आर टू। तो चेंज किस में आएगा, आर वन में। तो वन माइनस ज़ीरो वन आ जाएगा, टू माइनस टू ज़ीरो, वन माइनस का फोर तो माइनस का थ्री। अब इस वन के ज़रिए इसको भी ज़ीरो करना है, तो माइनस फाइव है, तो इसमें जब प्लस फाइव करूँगा तो फिर ही ज़ीरो होगा ना। इसका मतलब है आर थ्री में से माइनस कर दो आर टू को, लेकिन आर टू को पहले, सॉरी, आर थ्री में प्लस कर दें आर टू, लेकिन आर टू को पहले फाइव से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद प्लस करें। इस पूरे आर टू को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो फाइव टेन हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दें, तो माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो, तो माइनस वन और प्लस का टेन, प्लस का नाइन हो जाएगा, माइनस का वन प्लस का टेन प्लस का नाइन। अब मुझे यहाँ पे वन चाहिए, ऊपर वाले की हेल्प नहीं लेनी, हेल्प नीचे कोई नहीं है, तो आखिरी काम डिवाइड का, तो इसको आर थ्री को वन ओवर नाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन हो गया। अब इस वन के ज़रिए मैंने इन दोनों को ज़ीरो करना है, तो कैसे करूँगा, ये माइनस का थ्री या ज़ीरो कब होगा, जब इसमें प्लस का थ्री ऐड करूँगा। इसका मतलब है कि आर वन में प्लस कर दें आर थ्री, लेकिन आर थ्री को पहले थ्री से मल्टीप्लाई करें फिर, तो ये आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो थ्री। अब इन दोनों को प्लस कर दें, वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो करना है, तो आर टू में माइनस कर दें आर थ्री, लेकिन आर थ्री को पहले टू से मल्टीप्लाई करें उसके बाद, ठीक हो गया। तो ये टू ज़ीरो ज़ीरो टू आ जाएगा, तो इनमें आप क्या करें, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो वन, टू माइनस टू ज़ीरो, ठीक हो गया। तो चेंज किस में आएगा, आर वन और आर टू में आर थ्री सेम हो जाएगी। तो यही आपका आई थ्री है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक हो गया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से कर लें। खुदा हाफिज़।